दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज का विषय है, जो पिछले वीडियो पे काफ़ी कमेंट भी आए थे, प्लॉट पे जो मकान बनाते हैं अपन, उस पर कंस्ट्रक्शन जो करवाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें लगती है, क्या क्या उनकी कॉस्ट आती है। तो मैंने काफ़ी लोगों से या काफ़ी ठेकेदार से बातचीत करके और कुछ रेटें निकाली है, हो सकता है इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकती है। अब वो क्वालिटी या क्वांटिटी के हिसाब से डिपेंड भी करता है आप कितना क्या बनाते हैं। तो जो मोटा मोटी है, मैंने पिछले वीडियो जो डाला था कि ठेकेदार से को क्या रेट दें और क्या क्या वो काम करके देते हैं, वो लेबर रेट तो इसके अंदर आ जाती है। तो अपन एक, मैंने जो उदाहरण लिया वो लिया है 20x45 का 900 स्क्वायर फीट का, यदि अपन मकान बनाते हैं 900 स्क्वायर फीट के अंदर, तो उसमें क्या कॉस्ट आती है और क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर बात करें अपन, तो ठेकेदार को जो अपन लेबर देते हैं स्टार्टिंग के अंदर वही चीज़ तय होती है। तो उसमें मैंने आपको बताया था 200 से लेकर 250 रुपये के बीच का, तो मैंने एवरेज लिया है 230 रुपये, यानी कि टोटल अपना 930 स्क्वायर फीट का यदि मान लीजिए कंस्ट्रक्शन होता है, तो 230 रुपये से लगभग आपका 2,07,000 रुपये के आसपास कॉस्टिंग आती है, जो आती है ठेकेदार की। अब इसके बाद में क्या क्या मटेरियल अपने को लाना रहता है, क्या क्या चीज़ के खर्चे होते हैं, तो स्टार्टिंग के अंदर अपन जो बात करें ठेकेदार के, बाद में आता है अपन नीम वगैरह जो भरवाते हैं उसके अंदर पत्थर आता है। तो लगभग 900 स्क्वायर फीट का यदि अपन मकान बनाते हैं, तो उसमें लगभग आप 6 ट्रॉली आप ट्रैक्टर की मान के चलिए, और अभी जो जयपुर की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ जो ट्रैक्टर की, भाटे के ट्रैक्टर की जो रेट चल रही है पत्थर की, वो लगभग 2500 रुपये के आसपास चल रही है। तो 6 ट्रैक्टर के आपके लगभग 15,000 रुपये हो गए। इसके बाद में आता है सीमेंट, तो सीमेंट कितनी क्या लगती है, तो लगभग मान लीजिए 900 स्क्वायर फीट है तो उसको 0.3 से गुणा करें तो अपने लगभग 300 बैग के आसपास का अपना सीमेंट का खर्चा रहता है 900 स्क्वायर फीट में लगभग। ये जो मकान बना रहे हैं ठेकेदार, उनसे बातचीत करी है मैंने, तो उनके आधार पे मैं बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, लोगों से मैंने बातचीत करके और जो मैंने खुद ने भी काम कराया था तो कितना लगा था, तो उसके आधार पे कई चीज़ें बताई है, इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। तो लगभग 300 कट्टे अपने सीमेंट के लगते हैं। तो अभी जो बाज़ार के अंदर सीमेंट की जो रेट चल रही है, लगभग वो चल रही है 300-350 के आसपास, तो एवरेज 320 के हिसाब से जोड़ें तो लगभग 96,000 रुपये की आपकी सीमेंट हो जाती है। इसके बाद यदि अपन सरिये की बात करें, तो सरिया लगभग लगभग आप मान के चलिए 900 स्क्वायर फीट का आपका मकान है, तो उसके अंदर छत का सरिया ले लीजिए, आपकी सीढ़ियों का, जीने का सरिया ले लीजिए, आप जो पिलर बना रहे हैं उन पिलर का आप सरिया ले लीजिए, तो ये सारी चीज़ों का मिला के लगभग 2,250 kg के आसपास का एवरेज आता है, जिसमें आपका 8 mm आ गया, 10 mm आ गया, 12 mm आ गया और 16 mm, जो भी सरिये लगते हैं, और इनका एवरेज प्राइस जोड़ा है मैंने, इनमें रेट में भी अलग अलग डिफरेंस रहता है, अभी जो एवरेज प्राइस जोड़ा है वो मैंने लगभग 55 रुपये के हिसाब से जोड़ा है। तो 55 रुपये से लगभग ये सरिये का जो टोटल कॉस्ट आता है वो आता है लगभग 1,18,000 रुपये। इसके बाद सरिये के बाद आता है बजरी, तो बजरी की यदि बात करें तो लगभग आपकी ये मान के चलिए डबल के आसपास, यदि कि 900 स्क्वायर फीट का आपका काम हो रहा है तो 1800 स्क्वायर फीट जो गन फिट बोलते हैं वो लगभग आपकी बजरी लगती है, और बजरी की जो रेट चल रही है अभी एवरेज 50 रुपये के आसपास चल रही है, तो इसका लगभग 90,000 रुपये हो गया। रोड़ी जो आपके पिलर्स में काम में आती है, आप छत भरते हैं उसमें रोड़ी काम आती है, तो वो लगभग जितना स्क्वायर फिट एरिया उतने स्क्वायर फिट के आसपास का मैंने एवरेज लिया है, यानी अपना 900 स्क्वायर फिट का मकान है तो लगभग 900 स्क्वायर फिट के आसपास बनेगा, इसका जो रेट चल रहा है अभी वो चल रहा है लगभग 25 रुपये के आसपास, तो वो ये लगभग हो गया 22,500 के आसपास की आपकी रोड़ी हो गई। रोड़ी के बाद में आता है मार्बल, अब मार्बल के अंदर अपन बात करें तो रेट्स की बात करें तो 25-30 रुपये से शुरुआत होती है, और ऊपर के अंदर 500-600 अलग अलग रेट होती है, लेकिन जब नॉर्मल 90% या 80% घरों में आजकल मार्बल और टाइल्स दोनों काम में ले रहे हैं, और लगभग दोनों का रेट सिमिलर सा ही आता है। मार्बल का जो मैंने रेट लिया है लगभग 55 रुपये के हिसाब से, टोटल
यदि आपका 900 स्क्वायर फीट का मकान है तो उसमें मार्बल लगभग 800 फीट के आसपास का मैंने एवरेज लिया है, तो इसका मार्बल का जो कॉस्ट आ गया वो लगभग आ गया आपका 44,000 रुपये के आसपास। अब मार्बल के बाद में आता है बाथरूम टाइल्स हो गई, किचन के टाइल्स हो गए, तो इनका एवरेज जो मैंने लिया है, जैसे 900 स्क्वायर फीट में दो बाथरूम हो गए, एक किचन हो गई, तो इनमें लगभग आपका 300 फीट के आसपास आपकी टाइल्स लगती है, और टाइल्स की जो रेट है लगभग मैंने एवरेज लिया 30 रुपये के हिसाब से, तो लगभग 9,000 रुपये की आपकी टाइल्स हो गई। इसके अलावा कुछ और खर्चे होते हैं जो स्टार्टिंग के अंदर, ये सिविल वर्क के अंदर मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो इसमें जैसे आप नक्शा बनवाते हैं तो नक्शा बनाने के लगभग 2 से 4 हज़ार रुपये आपसे आर्किटेक्ट लेता है, तो मैंने 4,000 जोड़े हैं। इसके अलावा रसोई के अंदर ग्रेनाइट अपन जो लगाते हैं, पत्थर लगाते हैं, वो पत्थर हो गया। इसके अलावा कुछ अपन सीढ़ियों में इनमें मोल्डिंग करवाते हैं सीढ़ियों की, स्केटिंग लगती है जो साइड के अंदर, इन तीनों चारों चीज़ों के लगभग मैंने 20,000 रुपये जोड़े हैं। इनमें कई चीज़ें हो सकता है, कई चीज़ें और छोटी चीज़ें रहती है जिनके जोड़ने भूल गया, जैसे कुछ पत्थर्स वगैरह आते हैं सीढ़ियों के अंदर, उनके आप 8 से 10 हज़ार रुपये लगा लीजिए, तो ये लगभग आपका टोटल हो गया 30,000 रुपये। तो ये सिविल वर्क के अंदर, इसको यदि अपन टोटल करते हैं, जो ठेकेदार का कॉस्ट हो गया, नीम के पत्थर हो गए या ईंट हो गई, ईंट का भी जोड़ें, तो लगभग ईंट इसके अंदर आएगी आपके मान के चलिए लगभग 22,000 के आसपास, 20 से 22,000 के आसपास ईंट आती है। ईंट की जो कॉस्ट आती है वो अभी चल रही है 5 से 6 रुपये, तो यदि अपन 6 रुपये से जोड़ते हैं तो लगभग 1,32,000 हो गई। तो ये जो सारे कॉस्ट हैं सिविल वर्क की, तो ये लगभग आपका हो गया 7,50,000 के आसपास, यानी कि 7,50,000 के आसपास की कॉस्ट हो गई, जिसमें सिविल वर्क सारा आ गया। अब इसके बाद के कई खर्चे होते हैं जिसके अंदर आपका आ गया, यदि अपन बात करें तो प्लम्बिंग, प्लम्बिंग के अंदर जो ठेकेदार लेता है, प्लम्बिंग का जो काम करता है, वो लगभग 15 रुपये के आसपास स्क्वायर फीट का पैसा लेता है। तो आपका 900 स्क्वायर फीट है तो आपका लगभग 13-13.5 हज़ार रुपये उसकी लेबर चार्ज हो गई, ये मान के चलिए। अब प्लम्बिंग का जो सामान आता है, पाइप आते हैं, इसके अलावा सैनिटरी का जो नल है वगैरह, बाकी जो सारी चीज़ें आती है, तो इनका एवरेज सारा मैंने जोड़ के 13-13.5 हज़ार इनके हो गए। इसके अलावा पाइप वगैरह की कॉस्ट हो गई, और सारा मिला के लगभग ये आपका 60 से 65 हज़ार रुपये आता है, जो सैनिटरी के अंदर हो गया, प्लम्बिंग का और सैनिटरी के सामान का हो गया। इसके बाद में हो गया इलेक्ट्रिक का काम, इलेक्ट्रिकल के खर्चे हो गए, उसके अंदर लगभग आप यदि फोर्सलिंग वगैरह करवा के और लाइट फिटिंग करवाते हैं तो 15 से 20 रुपये स्क्वायर फिट के जो लेबर चार्जेज है वो आपसे लाइट वाला या इलेक्ट्रिक फिटिंग वाला चार्जेज ले लेता है। और इनके इसके अलावा जो अपने पाइप आते हैं, बक्से आते हैं, फैन आते हैं, तो नॉर्मल ये जो सारे खर्चे हैं, तो इनको सारों को मिला के अपन जोड़ते हैं तो ये लगभग आ जाता है आपका 70,000 रुपये के आसपास। इनमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो गई, इसके अंदर फैन भी आ गए, वायर भी आ गया और पाइप वगैरह आ गए। इसके अलावा एक चीज़ सिविल के अंदर था, स्टार्टिंग के अंदर अपन जब नीम वगैरह भराते हैं तो उसके अंदर मिट्टी की भराई होती है, तो मिट्टी भराई का एवरेज 10 से 12 हज़ार रुपये का खर्चा आता है, वो भी इसी के अंदर इंक्लूडेड होता है। अब इसके अलावा आता है मेन जो काम आता है, वो आते हैं वुडन का काम, जो लकड़ी के दरवाजे वगैरह अपन जो बनाते हैं उनमें लेबर क्या लगती है और लगभग कितनी कॉस्ट आ जाती है। यदि 900 स्क्वायर फीट का 2 BHK अपन मकान बना रहे हैं जिसमें होल किचन और रसोई हो जाती है आपकी, 2 कमरे हो जाती हैं, तो इसमें लगभग आप मान के चलिए 80 से 90 हज़ार रुपये का आपका वुडन का मटेरियल आता है, आपका सामान आता है। और जो कारपेंटर की जो रेट होती है या जो खाती जो बनाते हैं उसकी जो रेट की यदि अपन बात करें तो जो टोटल कॉस्ट आती है उस कॉस्ट का लगभग 25 से लेकर 35% तक, तो मैंने एवरेज उसका लिया है 30%। और टोटल मटेरियल की कॉस्ट की यदि अपन बात करें तो वो है लगभग 90,000 रुपये के आसपास 900 स्क्वायर फीट के अंदर, तो 90,000 का 30% हो गया 27,000 रुपये के आसपास। तो जो इनकी जो टोटल कॉस्ट हुई वो लगभग हो गई आपकी 1,04,000 के आसपास। अब इसके अलावा बिरला पुट्टी है, POP कराते हैं अपन या फोर्सलिंग कराते हैं, तो इसके अंदर लेबर और मटेरियल सहित लगभग 900 स्क्वायर फीट के अंदर जो मैक्सिमम खर्चा आता है वो आता है 50 से 60 हज़ार, मैंने यहाँ लिया है 60,000 रुपये। अब इसके अलावा आपका बनता है मेन गेट, बाहर का जो लोहे का या स्टील का जो बनाते हैं, इसके अलावा एलिवेशन जो बाहर का बनाते हैं उसमें टाइल्स वगैरह लगाते हैं, या ऊपर की साइड में या सीढ़ियों में जो रेलिंग लगती है, गेट मेन गेट की यदि अपन बात करें तो एवरेज 15,000 के आसपास में बन जाता है, और
एलिवेशन की बात करें जिसमें टाइल्स लगा के, और टाइल्स और लेबर सहित बात करें तो 12 से 15 हज़ार के अंदर इजीली हो जाता है। आजकल जो टाइल्स का फैशन लगा हुआ है, टाइल्स लगती है, कई जगह जाली भी लगाते हैं, तो इनका एवरेज कॉस्ट यही आता है कि 5-7 हज़ार का मटेरियल आता है, 5-7 हज़ार रुपये लेबर हो जाती है, लगभग बराबर सा हो जाता है। रेलिंग की यदि कॉस्टिंग की बात करें तो एवरेज 15 हज़ार रुपये के आसपास रेलिंग हो जाती है आपकी, सीढ़ियों की मान लीजिए, या ऊपर छत पर भी आप लगाते हैं कुछ साइड के अंदर, और तो ये लगभग हो गया। इसके अलावा पेंट करवाते हैं या कलर करवाते हैं, या आजकल जो दीवारों पे पेपर लगते हैं यदि वो लगाते हैं, तो इसका एवरेज जो कॉस्ट आता है 900 स्क्वायर फीट के अंदर, वो लगभग आएगा 45 के आसपास, लगभग 45। तो ये सारी चीज़ें मिला के और ये टोटल जो खर्चा हुआ लगभग 4 लाख रुपये के आसपास हुआ। तो सिविल वर्क का हो गया 7.5 लाख रुपये, और ये सिविल के बाद में जो काम है फिनिशिंग के अंदर, इनके अंदर आप मान के चलिए 4 लाख रुपए। तो अब यदि 900 स्क्वायर फीट का यदि अपन मकान बनाते हैं तो 7.5 प्लस आपके 4 लाख, तो ये लगभग आपके टोटल जो बन जाते हैं वो 11.5 लाख के आसपास बन जाते हैं 900 स्क्वायर फीट में। तो अब इसमें पर स्क्वायर फीट यदि अपन कॉस्टिंग की बात करें सारे मटेरियल सहित, इसमें कुछ चीज़ें अपन 10-20 हज़ार रुपये मैंने एक्स्ट्रा भी जोड़े हैं टोटल जोड़ के अंदर, क्योंकि कई चीज़ें छोटी छोटी रहती है जिनका अपन बाद में लगती है तो पता नहीं चल पाता है। तो एवरेज आपका जो कॉस्ट आता है वो लगभग 1250 से लेके 1300 के बीच का आपका कॉस्टिंग आता है, ये नॉर्मल का हो गया। अब क्या है, मकान ऐसी चीज़ है इसमें जितना आप पैसा लगाओ उतना कम होता है, जितना गुड़ गालो उतना ही मीठा होता है। तो उसके अंदर और अपन इनसे अच्छे ब्रांड ले सकते हैं, अच्छी मटेरियल पर डिपेंड करता है, क्वालिटी पर डिपेंड करता है, हाइट वगैरह और इनमें एक्स्ट्रा हो तो। ये जो नॉर्मल हाइट्स वगैरह जो चल रही है उसके हिसाब से मैंने सारी चीज़ें एक नॉर्मल कैलकुलेट करके ये अभी के समय के हिसाब से बताई, यानी कि ये सारी रेटें 2021 के हिसाब से बताई है मैंने। ये कुछ ठेकेदार से, कुछ जो मकान बना रहे हैं बिल्डर से, उनसे रेटें ली है। इसमें क्या होता है कि बड़े जो मकान बनते हैं उनमें और थोड़ा सा कॉस्टिंग कम आ जाती है, क्योंकि मटेरियल थोक में आता है, लेकिन अपन जो छोटा मकान बनाते हैं या अपना इंडिविजुअल मकान बनाते हैं तो उनमें सारी चीज़ें अपन एक एक चीज़ें लेके आते हैं, तो इतनी रेट का भी थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो एवरेज लगभग ये मान के चलिए 1250-1300 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास बन जाता है। अब कई लोगों का सवाल भी आता है कि इससे कम में भी हो जाता है और ज़्यादा भी होता है, तो ये प्रैक्टिकल सही है, कई जगह ज़्यादा होता है, जैसे ग्रामीण एरिया के अंदर लेबर रेट वगैरह कम होती है तो वो 250 की जगह वहाँ 150-200 के अंदर भी काम कर लेते हैं, या 200 से नीचे भी काम कर लेते हैं। तो ये एरिया वाइज डिपेंड करता है। ये जो रेटें दी है मैंने अभी के हिसाब से दी है, ये डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल के दे रहा हूँ। दोस्तों आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करें और हमेशा राय ज़रूर दें आप कमेंट करके, और सजेशन ज़रूर दें, आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। दोस्तों आप स्वस्थ रहें, आप व्यस्त रहें और आप मस्त रहें।